नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं तमिलनाडु की कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के एरोड कोपिसेट्टी प्लायम हजारों लोगों ने नगर पालिका कार्यालय को घेरा लिया है और कोपिसेट्टी प्लायम के पास नाम्बियूर नगर निगम की ओर से नवनिर्मित विद्युत कब्रिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन एरोड जिले के नाम्बियूर नगर पालिका के अंतर्गत कामराज नगर क्षेत्र में एक नया विद्युत कब्रिस्तान स्थापित करने के लिए कदम उठा रहा है। ऐसे में जिस स्थान पर यह पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा वह जल डायवर्जन भूमि के रूप में राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में है और इसी स्थान के नजदीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का डिलीवरी वार्ड और 3 से अधिक स्कूल संचालित हो रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने अपने घरों पर काले झंडे लहराकर इस इलाके में विद्युत शवदाह गृह के निर्माण का विरोध किया। इसके बाद आज सूरीपलायम, कोन्नम दई, कामराज नगर समेत 10 से अधिक गाँवों के हजारों लोग पहुँचे। 100 से अधिक स्कूली बच्चों के साथ उन्होंने नगर निगम कार्यालय तक मार्च किया और कार्यालय का घेराव कर सड़क जाम कर दिया। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि यह नाकाबंदी तब तक जारी रहेगी जब तक कब्रिस्तान वाली जगह को बदलकर दूसरी जगह नहीं कर दिया जाता। तमिलनाडु से संवाददाता सुब्रमानी की रिपोर्ट।